जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां है मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। ये देश की संपदा को लुटाना चाहते हैं या झूठ बोल रहे हैं? एयरपोर्ट उनको दे दिए, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया, या झूठ बोल रहे हैं? चलो जंगल जमीन देना चाहते हैं, हम इसकी मुखालपत करते हैं। न सिर्फ मुखालपत राजस्थान की विधानसभा में करते हैं, सड़क पर करेंगे, लड़ेंगे, सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद नहीं, वो खेती से मोह भंग हो जाएगा। जमीन छुटाना चाहते हैं, लक्ष्य जमीन छीनना है। इस लक्ष्य के भेदने के लिए ये सिर्फ तीनों कानून जो राजस्थान लेके आए ये काफी नहीं है, इन कानूनों में और मजबूती की जरूरत है, और मजबूती से केंद्र के कानूनों का विरोध करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के उस आंदोलन का गवाह रहा हूं जो सिंचाई पानी को लेकर के हुआ है। मेरे पुरखे उस आंदोलन का नेतृत्व कर ही रहे हैं जो जमीन छीनना चाहते थे। 1970 के किसान आंदोलन के गवाह रहे और जेलों में रहे, सात सात लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं केंद्र की उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जेलों की चकियों की रोटी खा खा करके विधानसभा पहुंचे, मजाक नहीं है। जो आपके कानून लागू कर दोगे आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन आंदोलन की बात कर रहे हो। रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा। जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी, मंडी उसी की होगी जो मंडी में काम कर रहा है। मंडी से बाहर दूसरी मंडी का जो सपना आप दिखा रहे हो, ये सबज बाग हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे। सभापति महोदय, मैं उस मेरी क्षेत्र का किसान हूं जहां आज से 20 साल पहले सीएडी ने खाड़े बनाए थे। जब मैं मंत्री जी से मिला, सिंचाई मंत्री से, कि हमारे खाड़ों की मरम्मत करो, बोले केंद्र ने सीएडी बंद कर दी, हमारे लिए ये मौत का फरमान है। ये तीनों कानून भी मौत के फरमान है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं ये सिर्फ तीन कानून यही नहीं है, भविष्य के कानून और बता रहा हूं। नया बिजली का कानून लेकर के आएगा केंद्र, सारे हिंदुस्तान की पावर अदानी को सौंपने का मन बना रखा है। अंबानी को, अदानी को देश लुटाना चाहते हैं। एनजीटी पर स्पेशल कानून लेकर के आ रहे हैं, पर्यावरण पर कानून लेकर के आ रहे हैं। पर्यावरण के नाम पर जो आसाम से कोयला नहीं खोद पाए थे उसके खिलाफ ये कानून लेकर के आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया, तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है, तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है, तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया।